तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में हर जगह बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में गांव-गांव और मोहल्ले पारा टोले तक बिजली पहुंचाने का सरकारी दावा भले ही विद्युत विभाग करती हो, मगर सीतापुर ब्लॉक में इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा कौर और आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश सिंह की खास रिपोर्ट, फेल हुए सरकारी दावे। मामला सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत ललितपुर के गुरु आमा पारा टोला का है, जहां इस मोहल्ले में आज तक बिजली पहुंच नहीं पाई है। वहीं बिजली की परेशानी से तंग आकर ग्रामीण 3 किलोमीटर दूर बांस के खंभों के जरिए बिजली लाकर जलाने को मजबूर हैं। तस्वीरों में दिख रहा है ये नजारा सरगुजा जिले के सीतापुर ब्लॉक के ललितपुर के गुरु आमा पारा टोला का है, जहां इस पारा टोले में आज तक बिजली नहीं लगी है। वहीं यहां के ग्रामीण कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से इसकी शिकायत कर आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक इस पारा टोला में बिजली नहीं पहुंची। बिजली की समस्या से जूझ रहे परेशान ग्रामीणों ने स्वयं के से बांस के खंभों और पेड़ों के जरिए 3 किलोमीटर दूर से टीपी कनेक्शन के जरिए चंदा एकत्रित कर बिजली का वायर खरीद कर अपने घरों को रोशन किया है। इस मोहल्ले में तकरीबन 15 घरों में करीब 120 की आबादी है। वहीं यहां क्षेत्र हाथी प्रभावित होने के कारण मोहल्ले में आज तक विभाग ने बिजली नहीं पहुंचाई है। ग्रामीणों को आज भी बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है, जिसका फायदा लाइटमैन उठा रहे हैं। हाँ हाँ साहब, नाम क्या है तो? ब्रिजमोहन पुजारी। कौन मोहल्ला रथस? हम लोग गुरुआमा। कौन गांव? ललितपुर। का दिक्कत है तुम्हें? हमन ल बिजली के दिक्कत है थोड़ा सा, लाइट उइट के, और हाथी उथी भी आल हम रंगे रात बिकाल तो थोड़ा सा परेशानी होते, ओकर बार हमन बिजली कर मांग करत रहें। तो अभी कैसे कर रहे हैं? अभी फिलहाल बार ऐसे ही टीसी कनेक्शन लेहे हन, तो 2-3 गो घर वर है तो, और इतने बस्ती टाइप है 14-15-20 घर टाइप। तो कहाँ कहाँ लाइट जलत है अभी तुम्हारे पास? हम तीने घर जलत है अभी। तो कितना कितना पैसा दे है और कौन ला दे है? हम वही ईसन जमा करे हैं जे गिना फार्म ते गिना 2-2 हज़ार रुपया दे हैं हम। अच्छा, टीसी कनेक्शन कर। अच्छा, का नाम बोलत रही है? मेघनाथ, और एक जन ओकर साथ में का नाम बोलत रही वीरेंद्र। तो हम 2-2 हज़ार ले ना। और लाइट तार उर का पैसा कौन दे? तार उर कर तो पैसा हम ही मन लगाए हैं। अच्छा, कितना? हमन टोटल लगाए दे हैं खर्चा में 14-1 हज़ार रुपये कुछ। ये जब तक अपन 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 घर तक आने की हमन सब जन मिल के तार ले है हैं, तीनों घर मिल के। अच्छा, का चाहत है तुम्हें? हमन खंभा चाहत हैं, खंभा आई जाती सल और बढ़िया रिस कहत हैं। बिना खंभा का कहाँ नहीं लाइट लाने हैं अभी? अभी हमन खूंटा उंटा गाड़े हैं हमें। का चीज का खूंटा कमन लाने हैं? ये लकड़ी कर खूंटा लगाए हैं हम, वही 17-18 ठे खूंटा गाड़े हैं लकड़ी कर। संत कुमार। कहाँ रहते हैं? कौन गाँव रहते? ललितपुर। कौन मोहल्ला? गुरुआमा। क्या समस्या है तुम्हें? बिजली के। क्या होते हैं बिजली में, क्या दिक्कत है? पूरा हाथे उथे आते तो दिक्कत जाते, लाइट टूट सुविधा नहीं है। तुम तो कितना साल से तुम्हें बिजली नहीं है? शुरू साल से नहीं है। तो अभी कैसे करते हैं? अभी तो बिजली जलत है। टीसी कनेक्शन से कितना पैसा देगा? टीसी कनेक्शन का 6,000 रुपया। कौन लाते हैं? मेघनाथ बीरेंद्र। का कैसे लगे थे? टीसी कनेक्शन के नाम से। तो कितने दिन ऊपर ऊपर तो मीटर उटर लगाई सकते? नहीं लगाई से। तो फिर कैसे करता बिजली बिल बिल वगैरह का? ओ ऐसे दे दें तो अभी तक तो नहीं आए हैं। अच्छा, का कहें हैं कि पैसा वैसा नहीं लगे? नहीं लगे कह के। का कहें? 6 महीना के लिए वो तो फ्री रहेगा कह के। अच्छा, ले गई से? हाँ ले गई से। तो कितना घर लगाए हैं तुम्हें लाइट? यहाँ कितना घर की जरूरत है? मैं तो अभी 3 करोड़ घर जला थे और 15-20 ठेके 15-20 ठे घर।
नहीं लगी से बिजली के। अच्छा हम सुने हैं कि तुमने एक एक घर में 10,000 रुपये बिजली आती है जो भी साहब ने। नहीं तो दिए हैं 10,000। कितना दिए? 6,000। लाइट जुड़ा था तो मेघनाथ आया, बोला 10,000 रुपये दो, उसके बाद आप लाइट जलाना यहाँ से। और 600 मीटर आप तार ले गए हो, कल जंगली जानवर अगर यहाँ अगर फंस के मर जाते हैं उसका जिम्मा कौन लेगा? तो मेघनाथ को मैं बोला मैं कि सर मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं जंगली जानवर तो मारने नहीं आया हूँ, मेरा खेत ज़मीन है, अगर कुछ अगर हो जाता तो अपना जिम्मा है। अब 4 किलोमीटर उधर वायरिंग किए हैं, अगर वहाँ जंगली जानवर अगर मर जाता उसका जिम्मा कौन है? नहीं तो अगला आदमी मेरे को 10,000 रुपया TC कनेक्शन के लिए दिए हैं। नहीं बोला वो TC कनेक्शन दिए हैं, 10,000 रुपये जमा किए हैं तब जाके उनको मैं लाइट दिया हूँ और जला रहे हैं, और बिना खंभा का 4 किलोमीटर उधर जला रहे हैं। आप 10,000 रुपये जमा करिए, TC कनेक्शन लीजिए और 3 महीने के लिए मैं दूंगा लाइट। मामले में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि TP कनेक्शन के नाम पर बिजली कर्मचारी ने घर से 10,000 रुपये लिए हैं और विद्युत विभाग के कर्मचारियों की मनमानी इस मोहल्ले में इतनी हावी है कि TP कनेक्शन के नाम पर लाखों रुपयों की वसूली करने के बावजूद भी बिजली का आता पता नहीं है। यहां तक बिजली विभाग के अधिकारी तक को इस मामले की हवा ढकने की लगी है। वही मामले में जब ललितपुर गांव के गुरुआमा मोहल्ले में हो रही बिजली की समस्या के बारे में जब फास्ट इंडिया 24 न्यूज की टीम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बताया और इसकी जानकारी ली गई तो विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इस पारा टोला में बिजली कनेक्शन लगाने की बात कही है। वहीं TP कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली करने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर जाँच कर उचित कार्यवाही करने की भी बात की गई है। ललितपुर गुरुआमा इस गांव में अभी आप लोगों के द्वारा जानकारी मिली है कि यहाँ पे लाइट नहीं है। अभी हमारे द्वारा जन चौपाल लगाया गया था 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, तो वहाँ पर वहाँ के लोगों ने एक आवेदन दिया हुआ है, वहाँ के करीब 7-8 लोगों ने, वहाँ के ग्रामीणों ने, कि इस जगहों पर लाइट नहीं है, जिसकी जानकारी हमको प्राप्त हुई है और उसका सर्वे करा कर हमारे पास उपलब्ध करा दिया गया है और मुख्यमंत्री मजरा टोला के तहत इनका प्रकरण जल्द ही स्वीकृत कराकर यहाँ पर लाइन पहुँचा दी जाएगी और इन पारा को विद्युतीकृत कर दिया जाएगा। अभी जांच कराई जाएगी, वहाँ पर एक बार पता किया जाएगा कि किन लाइन स्टाफ के द्वारा पे वहाँ पर इस तरीके की मांग की गई है TC कनेक्शन के तौर पे, और यदि यह सही पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, और यदि वहाँ के ग्रामीणों को यदि किसी भी तरह की कोई समस्या है बिजली से संबंधित तो उसका त्वरित निराकरण किया जाएगा। बहरहाल मामले में विद्युत विभाग के अधिकारी ने तो इस मोहल्ले में जल्द बिजली कनेक्शन लगाने और अवैध वसूली करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की बात तो जरूर कही है, लेकिन मामले में अब देखने वाली बात तो यह होगी कि आखिरकार कब तक ललितपुर के गुरुआमा के ग्रामीणों के घरों में बिजली से रोशनी आती है। गांव-गांव बिजली पहुंचाने का सरकार का यह दावा सफल हो पाता है या सिर्फ दावा ही रह जाता है, ये तो समय ही बताएगा।